हे गाइस व्हाट्स अप. सो आई एम बैक विद अनदर वीडियो. सो आज की वीडियो हमारी होने वाली है हाउ मच प्रोटीन कार्ब्स एंड फैट्स यू नीड इन अ डे. सो आपने बहुत सारे ट्रेनर से ऐसा सुना होगा कि अगर आप वेट लॉस कर रहे हो तो आप रेपिटेशन ज़्यादा निकालो, कार्डियो पे फोकस करो, आपका वेट लॉस हो जाएगा. वेट गेन कर रहे हो तो रेपिटेशन कम निकालो, वेट हैवी लिफ्ट करो तो आपका वेट गेन हो जाएगा, जो कि बिल्कुल गलत है. वर्कआउट आपका सिर्फ 20% होता है, मैटर करती है आपकी डाइट. आप दिन में कितने प्रोटीन कार्ब्स एंड फैट्स कंज्यूम कर रहे हो, और उसके लिए आपको पता होनी चाहिए सबसे पहले अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज. अगर आपको नहीं पता मेंटेनेंस कैलोरीज कैसे चेक करते हैं तो मैं ऑलरेडी उस पर वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप जाके देख सकते हैं. तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं. आज की वीडियो हमारी इसी पर होने वाली है, आप अपने प्रोटीन कार्ब्स एंड फैट्स कैसे काउंट कर सकते हैं. तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं. उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, बिकॉज आगे बहुत सारी वीडियोज़ ऐसी आती रहेंगी. और वर्कआउट या डाइट से रिलेटेड आपको कुछ भी पूछना हो तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो, मैं इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा. सो गाइस एक एग्जांपल देके समझाता हूँ आपको. अगर मेरी मेंटेनेंस कैलोरीज है 2100 और अगर मुझे फैट लॉस करना है तो मैं कैलोरीज कंज्यूम करूँगा पर डे 1600. अब मेरे को उसमें चेक करना है कि मेरे को 1600 में कितनी कैलोरीज लेनी है प्रोटीन से, कितनी कैलोरीज मेरे को लेनी है कार्ब से, और कितनी मेरे को लेनी है फैट से. यही है जो मैटर करता है आपका, चाहे आपका गोल है वेट लॉस या आपका गोल है वेट गेन, यही चीज़ मैटर करती है 80%. 20% आपका वर्कआउट होता है. तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रोटीन के बारे में कि आपने दिन में कितने ग्राम प्रोटीन लेना है और कितनी कैलोरीज कंज्यूम करनी है आपको प्रोटीन से. सो उससे पहले आपको ये पता होना ज़रूरी है कि 1 ग्राम प्रोटीन से हमें मिलती हैं 4 कैलोरीज, 1 ग्राम कार्ब से हमें मिलती हैं 4 कैलोरीज, एंड 1 ग्राम फैट से हमें मिलती हैं 9 कैलोरीज. सो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रोटीन के बारे में. प्रोटीन हमें लेना है अपनी बॉडी वेट का इनटू 2.2. सो जैसे मेरा बॉडी वेट है 80 केजी, तो मैं प्रोटीन को 80 को मेरे को मल्टीप्लाई करना होगा 2.2 से, जो कि आएगा 176 ग्राम्स. 176 ग्राम्स मेरे को डेली प्रोटीन कंज्यूम करना है अपनी बॉडी वेट का इनटू 2.2. और मैंने आपको बताया था 1 ग्राम प्रोटीन में होती हैं 4 कैलोरीज, और मेरे को डेली प्रोटीन कंज्यूम करना है 176 ग्राम. तो अगर हम 176 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा हमारा 704. सो प्रोटीन से हमने कैलोरीज कंज्यूम करनी है अप्रॉक्सीमेटली 700. अब बात करते हैं हम कार्ब्स के बारे में, सॉरी अब हम बात करेंगे फैट्स के बारे में. फैट्स हमें लेनी होती हैं अपनी, जितनी भी हम कैलोरीज कंज्यूम कर रहे हैं फैट्स हमें उसके लेने हैं 20-30%. हम 25% लेके चलते हैं, तो 1600 का 25% होगा अप्रॉक्सीमेटली 400. और मैंने आपको बताया था 1 ग्राम फैट में कैलोरीज होती हैं 9. सो अगर हम 400 को डिवाइड करेंगे 9 से तो ये आएगा हमारा अप्रॉक्सीमेटली 45 ग्राम्स हमने कंज्यूम करने हैं डेली फैट्स. सो फैट्स से हमें मिल गई 400 कैलोरीज, प्रोटीन से हमें मिल गई 700 कैलोरीज, बची 1600 कैलोरीज कंज्यूम करनी है. तो अब बचती है हमारे पास 500 कैलोरीज. तो ये 500 कैलोरीज हमने कंज्यूम करनी है कार्बोहाइड्रेट से, कार्ब से. सो आपको मैंने बताया था 1 ग्राम कार्ब्स में होती हैं 4 कैलोरीज. सो अगर हम 500 को डिवाइड करते हैं 4 से तो ये आएगा हमारा 125 ग्राम. सो कार्ब्स हमने डेली लेने हैं 125 ग्राम्स. ये हमारी 1600 कैलोरीज जो हमने डेली लेनी है वो कंप्लीट हो चुकी हैं. प्रोटीन इनटेक हमारा रहेगा 176 ग्राम्स. ये मैं आपको एक एग्जांपल देके बता रहा हूँ, जो जितना मेरा बॉडी वेट है उस हिसाब से आपको अपनी बॉडी वेट के हिसाब से कैलकुलेट करना होगा. प्रोटीन मेरा रहेगा 176 ग्राम्स, फैट्स रहेंगे 45 ग्राम्स, एंड कार्ब्स रहेंगे 125 ग्राम्स अगर मैं वेट लॉस कर रहा हूँ. अब बात करते हैं वेट गेन की. प्रोटीन हमारा सेम रहेगा, कैलरीज हमने कंज्यूम करनी है 500 एक्स्ट्रा, 2100 कैलरीज हमने ली थी अप्रॉक्सीमेटली मेंटेनेंस कैलरीज, तो हम 500 एक्स्ट्रा कंज्यूम करेंगे वेट गेन के लिए. प्रोटीन हमारा सेम रहेगा 176 ग्राम, 700 कैलोरीज हमें मिलेंगी प्रोटीन से. और हमारे जो फैट्स हैं वो रहेंगे 2600 का 25%, तो ये हमारा आएगा अप्रॉक्सीमेटली 650. तो मैंने आपको बताया था 1 ग्राम फैट्स में होती हैं 9 कैलोरीज, और अगर हम 650 को 9 से डिवाइड करते हैं तो ये आएगा हमारा अप्रॉक्सीमेटली 70-75 ग्राम्स. सो फैट्स हमने कंज्यूम करने हैं 70-75 ग्राम्स. प्रोटीन हमारा सेम रहेगा 176, फैट्स होंगे वेट गेन के टाइम पे 70-75 ग्राम्स. ये मैं अपने बॉडी वेट के हिसाब से बता रहा हूँ, अगेन आपको अपनी बॉडी वेट के हिसाब से चेक करना होगा. तो अब बचती हैं कैलोरीज अप्रॉक्सीमेटली 1250. 700 कैलोरीज हमारी होंगी प्रोटीन से वेट गेन के टाइम पे भी, 650 कैलोरीज हमारी होंगी फैट से, ये मैं वेट गेन का बता रहा हूँ. अब बचती हैं 1250 कैलोरीज, ये हमने कंज्यूम करनी है कार्बोहाइड्रेट से.
सो मैंने आपको बताया था 1 ग्राम कार्ब्स में होते हैं 4 कैलोरीज, तो अगर हम 1250 को डिवाइड करते हैं 4 से तो ये आएगा हमारा अप्रॉक्सीमेटली 300 to 320। तो वेट गेन के टाइम पे हमने कार्ब्स कंज्यूम करने हैं 300 to 320। सो अब आप समझ रहे होंगे ये सारी गेम घूम के आती है कार्ब्स पे और फैट्स पे। अगर आप वेट लॉस कर रहे हैं तो आपको फैट्स और कार्ब्स कम कंज्यूम करने होंगे, वेट गेन कर रहे हैं तो कार्ब्स और फैट्स ज़्यादा कंज्यूम करने होंगे। प्रोटीन इनटेक हमारा वही रहता है सेम। मेरा वेट 80 kg है तो मेरे को प्रोटीन, चाहे मेरा गोल वेट लॉस है या वेट गेन है, प्रोटीन मेरे को अपने बॉडी वेट का इंटू 2.2 कंज्यूम करना ही होगा, जो मेरा आया था 176 ग्राम्स। सो दैट्स इट, आई होप आप सबको समझ आ गया होगा कि आप अपने प्रोटीन कार्ब्स और फैट्स कैसे चेक कर सकते हैं कि आपने डेली कैसे कितने कंज्यूम करने हैं। सो आई होप आप सब समझ गए होंगे। एंड अगर कुछ डाउट हो तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो।